हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रसलान और आप देख रहे हैं टेक बुखार। फ्रेंड्स, आज हम कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं गैलेक्सी M30 का रेडमी नोट 7 के साथ। याद रखिएगा, रेडमी नोट 7 का हमने 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा ही यूज़ किया है, जो इसका प्रो मोड है वो यूज़ नहीं किया है। तो आपको बिल्कुल सिमिलर से ही कैमरा सैंपल्स दिखाई देंगे। दोनों में एक ख़ास बात यह है कि रेडमी नोट 7 में रियल कलर आते हैं, जबकि गैलेक्सी M30 में आर्टिफिशियल कलर्स हैं। देखिए इस पिक्चर में जो रेडिश पना रेडमी नोट 7 में है वो रियल में था, येलोइश पर नहीं है। ये पिक्चर्स बिल्कुल सेम आई हैं। डे लाइट कंडीशंस में जहाँ पर ग्रीनिश कलर ज़्यादा होते हैं वहाँ सिमिलर पिक्चर्स आती हैं, और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा किसका कैमरा बेहतर है। मैंने जो कैमरा सैंपल्स यूज़ किए हैं, जो आपको दिखाए हैं, उसमें रेडमी नोट 7 के जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल रियल आई में तो देखने पर आते हैं वही शो करता है, जबकि गैलेक्सी M30 उसे थोड़ा लाली पाउडर लगाकर या कहें ब्यूटिफिकेशन से के से या इंटेलिजेंट से थोड़ा और ज़्यादा उभार कर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल अलग ही लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में तो रियलमी नोट 7 का कैमरा बेहतर है गैलेक्सी M30 के कैमरे से। आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमने गैलेक्सी M30 और रेडमी नोट 7 का कैमरा कंपेरिजन अदर मोबाइल से, वीवो, ओप्पो के और जो रियल मी के हैं उनके मोबाइल के साथ किया हुआ है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देखिए और जज कीजिए आपको किसका कैमरा बेहतर लगा। आई बटन में भी आपको लिंक्स का फोल्डर मिल जाएगा कैमरा कंपेरिजन का, आप वहाँ भी जाकर कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।